Hello everybody, welcome to our channel Law and Knowledge. I would like to request all of you to please like and subscribe our channel. Even you guys could follow us on Instagram, whose link is given below. So finally, the most awaited notification aa hi gaya, MP Civil Judge 2020. जिसमें लिखा 2019 है लेकिन है वो 2020 का. सो आर यू गाइज ऑल एक्साइटेड? हाँ, आप सब लोगों को प्रेशर भी हो रहा होगा कि यार नोटिफिकेशन आ गया, अब तो एग्जाम आने वाली है, कैसे होगा, इतनी सारी प्रिपरेशन करनी है, इतनी सारा रिविजन करना है. टेक अ ब्रेक गाइज, वी आर ऑल हियर फॉर यू गाइज. लॉ एंड नॉलेज आपके लिए सारी हेल्प करने को तैयार है. जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है. इवन आप लोग हमारे चैनल पे जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इवन आप हमारे सारे मॉक टेस्ट की चीजें, जीके, कंप्यूटर से लेके ट्रांसलेशन तक की सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेगी. तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए. तो चलिए अब हम हमारे एक नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है, कब वो चालू हो रहा है, कब वो खत्म हो रहा है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और इंटरव्यू और मेंस की कैसे क्या क्या चीजें हैं. तो चलिए लेट अस स्टार्ट बाय रीडिंग अवर फर्स्ट थिंग ऑफ द नोटिफिकेशन, जो बोलती है कि हमारी स्टार्टिंग डेट ऑफ क्या है. तो चलिए देखते हैं हमारी स्टार्टिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन कब है. तो हमारी एप्लीकेशन फिल करने की स्टार्टिंग डेट है 22 सितंबर 2020 ट्यूसडे, और 12 बजे, दोपहर के 12 बजे ये आपका एप्लीकेशन भरना चालू हो जाएगा. इसकी एंडिंग डेट है 5 नवंबर 2020 विच इज थर्सडे, और रात के 11:55 तक आप ये फॉर्म को भर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें एक और चीज बोली गई कि अगर कभी एप्लीकेशन में कुछ उल्टा नीचा हो गया, ऊपर नीचे हो गया, कुछ गलती हो गई, तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हो आपके फॉर्म को भी. कब से? वो जो स्टार्टिंग होगी वो होगी 10 नवंबर को. 10 नवंबर से अगर आपको आपके एप्लीकेशन को एडिट करना है तो आप उस एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हो. कब से? 10 नवंबर से. और कब तक? 12 नवंबर को रात के 12 बजे तक आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एग्जाम डेट्स तो इन्होंने बताया ही नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जनवरी तक एग्जाम आ ही जाती है. जनवरी टू फरवरी के बीच में एग्जाम आ ही जाएगी, सो तैयार हो जाइए. ठीक है, उसके बाद ये जो फॉर्म है आप ऑनलाइन भर सकते हो, वो भी कहाँ से? www.mphc.government.gov.in से. ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट की, इस पे जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस एग्जाम की, और नोटिफिकेशन भी वहां मिल जाएगा. राइट, तो आपको यहाँ ये ऑफिशियल साइट पे जाकर फॉर्म भरना है. अब वो कैसे भरना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट हम जब बात कर रहे हैं, अब देखो कोई भी फॉर्म आता है हमें पोर्टल फी तो सबसे पहले भरनी पड़ती है, तो इसके लिए भी पोर्टल फीस है. लेकिन इसमें एक एमपी के लिए, एमपी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्पेशली सिर्फ एमपी के हैं, जिनकी डोमिसाइल जो है वो सिर्फ एमपी की है, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है फीस में, कि उन कैंडिडेट्स को 722.16 रुपीस देने पड़ेंगे. और जो लोग बाहर के हैं, मतलब एमपी के बाहर के हैं, उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी, 400 रुपए ज्यादा भरने पड़ेंगे उनको. तो उनकी टोटल फीस कितनी हो जाएगी? 722.16 प्लस 400 विच वुड बी इक्वल टू 1122.16, तो उनको थोड़ी सी फीस ज्यादा भरनी पड़ेगी. ठीक है, और इसी नोटिफिकेशन में एक और बात भी बोली गई है कि जो भी एमपी के बाहर के कैंडिडेट्स हैं, भले वो एससी या एसटी या ओबीसी में आते हों, लेकिन जब वो एमपी की एग्जाम देंगे तो उनको हम एज अ जनरल कैंडिडेट ही मानेंगे. राइट, और इवन जब उनको भी फी भरनी पड़ेगी, भले वो एससी एसटी में आते हो, लेकिन उनको भी फीस 1122.16 ही भरनी पड़ेगी, उनके लिए भी कोई फीस में रिलैक्सेशन नहीं है. नेक्स्ट, इवन ये बोला गया है कि अगर आपका एक बार पेमेंट हो गया उसके बाद रिटर्न करने की कोई पॉलिसी नहीं है. और इवन इसका जो थर्ड पॉइंट है वो भी यही बोल रहा है कि आपने फॉर्म फिल कर लिया, जब तक आपका ट्रांजैक्शन ऑफ द फी वुडंट बी कंप्लीटेड, तब तक आपका ये माना ही नहीं जाएगा कि आपने अपना फॉर्म को सबमिट करा है. तो आपका फॉर्म जो है वो तभी सबमिटेड माना जाएगा जब आपकी फीस भी पूरी सबमिट हो गई होगी, तभी. चलिए
अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज की कि हमारी इस बार वैकेंसीज कितनी आई है। तो इस बार आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि इस बार वैकेंसीज बहुत अच्छी आई है। 252 वैकेंसीज आई है। ओ माय गॉड, इट्स वेरी कूल ना। सो इसमें 192 सीट्स प्लस 60 सीट्स एक्स्ट्रा है जो बैकलॉग लोगों के लिए होती है, जो अदर स्टेट्स में ऑलरेडी सीजेस हैं, तो उनके लिए भी ये सीट्स को दिया गया है। अब इसका बाइफोगेशन कैसा है? इसका बाइफोगेशन है कि जनरल को 96 सीट्स दी हैं प्लस 6 बैकलॉग्स कर दी गई है। एससीज को 31 प्लस 2 दी गई है। ओबीसीज को 27 प्लस 2 दी गई है। एसटीज के लिए और जो अदर कोटास में आते हैं लाइक पीएच एंड ऑल, उनके लिए 38 प्लस 48 प्लस 2 सीट्स दी गई है। और एक और चीज, डिसेबल्ड पर्सन को, जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उसको 4% ऑफ रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, इवन हमारी एमपीसीजी के एग्जाम डिपार्टमेंट ने ये भी बोला गया है कि ये वैकेंसी जो है वो फिक्स नहीं है अभी। इट कैन वेरी, इट कैन इंक्रीज एंड इट कैन डिक्रीज इन नियर बाय फ्यूचर एज पर द सर्कमस्टेंसेस। ओके, नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि हमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए इस एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए, इस एग्जाम को देने के लिए। तो एज वी ऑल नो, द सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद दूसरा इसमें क्लॉज आता है कि आप लॉ के ग्रेजुएट होने चाहिए। मतलब जब ये एप्लीकेशन खत्म होगी, जब ये नोटिफिकेशन एग्जाम फॉर्म भरने की आखिरी डेट होगी, तब आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। लॉ ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एक जो कैंडिडेट जो भी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है उसका जो कैरेक्टर है दैट शुड बी क्लियर। मतलब उसके अगेंस्ट में कोई भी केस वेस नहीं चलना चाहिए, उसका जो कैरेक्टर है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, राइट? और एज का क्या है? द एज मस्ट बी अबव 21 साल से बड़ा होना चाहिए और 35 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें एक और अच्छी चीज दी गई है कि एज रिलैक्सेशन का भी क्लॉज हमारी गवर्नमेंट ने इस एग्जाम में दिया है। तो देखो, एमपी के जो परमानेंट डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, जो बिलोंग करते हैं एससी या एसटी से, उनको 3 ईयर्स ऑफ एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, जो एमपी गवर्नमेंट में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं इंक्लूडिंग द लेडीज, उनको भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो दिव्यांग लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनको भी 3 साल का रिजर्वेशन, सॉरी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन इसमें एक क्लॉज डाला है कि जो उनकी डिसेबिलिटी है वो 40% से ज्यादा होनी चाहिए, तभी उनको 3 साल की जो एज का रिलैक्सेशन है वो उनको दिया जाएगा। कैसे रिलैक्सेशन? मतलब 35, 36, 37, 38, वो 3 साल का रिलैक्सेशन है तो वो 38 की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है, अब हमारी मेन चीज आती है जो मैंने आपको पहले बोला था कि फॉर्म को कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, आप सबसे पहले तो फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो? ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। कौन सी वेबसाइट से? www.mphc.gov.in, इस पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट और रिजल्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, ऑब्लिक एडमिट कार्ड होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन। अब इसमें एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको जिस हिसाब से फॉर्म भरना है उस हिसाब का आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर आपको एडिट करना है तो एडिट पे जाइए, एप्लीकेशन बनाए एप्लीकेशन पे जाइए। ठीक है, और एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो ट्रू होनी चाहिए अपने कैंडिडेचर के लिए। जो भी आप इंफॉर्मेशन अपने बारे में डाल रहे हो वो ट्रू डालना, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा अगर बाद में जाके पता चला और आपके अगेंस्ट में केस फाइल हो जाता है। ठीक है, तो जो भी अपने इंफॉर्मेशन डालें वो बिल्कुल ट्रू डालना। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे पार्ट बी पे, जो हमें बताता है कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीका है। तो ये जो एग्जाम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, प्रिलिमिनरी, फिर आता है नेक्स्ट हमारी मेंस आती है, और दूसरा आता है हमारा, तीसरा आता है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, प्रिलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू।
तो अभी हम बात करते हैं हमारी प्रिलिमिनरी एग्जाम की, प्रिलिम्स की, ठीक है। देखो, और एक और चीज, ये जो एग्जाम होती है ना प्रिलिमिनरी प्रिलिम्स, वो 2 घंटे की एग्जाम होती है, ऑनलाइन एग्जाम होती है और 150 नंबर की होती है, ठीक है। और मेनली जो भी इसका सेंटर्स आते हैं ना, वो नियर बाय के ही आते हैं, जैसे जबलपुर आ गया, भोपाल आ गया, ग्वालियर आ गया, सागर आ गया, उज्जैन आ गया, एक्सेट्रा। मतलब ये थोड़े बहुत चेंज वेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब और ये जो एग्जाम होती है ये मेनली शिफ्ट में होती है, एक शिफ्ट हो गई, दो शिफ्ट हो गई, एज पर डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो शिफ्ट बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और उनका वेटेज क्या, एक बार हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही मार्क्स के आएंगे। सीपीसी आएगा 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 7 मार्क्स, 7 क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8 क्वेश्चन, 8 मार्क्स। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 6 क्वेश्चन, 6 मार्क्स। लिमिटेशन एक्ट 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स। एमपी अकोमोडेशन एक्ट, कंट्रोल एक्ट 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स। MPLRC 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स। इंडियन एविडेंस एक्ट 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। IPC 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। CRPC 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस। अब आता है हमारा GK, जनरल नॉलेज, जो 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। फिर आता है कंप्यूटर 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन। इंग्लिश 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन, विच गिव्स अस द टोटल ऑफ 150 क्वेश्चंस अलोंग विद द 150 मार्क्स, जो 2 घंटे में आपको ये अटेम्प्ट देना होगा, ठीक है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा इस पेपर को, इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। फिर अब हम बात करते हैं हमारे मॉक टेस्ट की बात। मॉक टेस्ट की सीरीज जो है वो जल्दी ऑफिशियल साइट पे आने वाली है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपको लॉ एंड नॉलेज अभी के अभी प्रोवाइड करने वाला है, तो क्यों हम इतना वेट करें। जल्दी से आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और फटाफट से जाके हमारी सिविल जज की सीरीज को चेकआउट कीजिए, उसी में आपको मॉक टेस्ट की सीरीज भी मिलेगी। गो एंड प्रिपेयर योर सेल्फ एज सून एज यू कैन। सो लेट अस मूव फर्दर। अब बात करते हैं हमारे सिक्योरिटी मेजर्स के लिए। एज वी ऑल नो COVID-19 चल रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चे की सिक्योरिटी तो सबसे मेन चीज है ही सही। तो जब आप अपने एग्जाम को देने के लिए सेंटर पे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके टेस्ट होंगे माइन्यूट से, जैसे बायोमेट्रिक टेस्ट हो गया, फोटो क्लिक करके आपके फॉर्म के फोटो से आपकी फोटो को मैचअप करेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा बहुत चेकअप होकर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक क्लॉज भी दिया है कि आपको आपकी एग्जाम शुरू होने के 30 मिनट पहले अपने सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है। तो प्लीज रीच एट योर सेंटर अ बिट अर्ली फॉर योर सिक्योरिटी मेजर्स एज वेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन्स की, ठीक है, जो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द MPCJ है, प्रीलिम के बाद मेन। और मेन जो होता है वो 400 मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स का, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या होता है, ये एग्जाम में जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो आपको भेजनी पड़ती है जबलपुर, मेन सेंटर पे भेजनी पड़ती है, ठीक है। वो सब तो अदर मैटर है, लेकिन ये एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम का पैटर्न है 4 पेपर्स में इस एग्जाम को बायफोगेट करा गया, इस एग्जाम को डिवाइड करा गया है, ठीक है। और एग्जाम रिटन एग्जाम होती है जो 3 घंटे में आपको सॉल्व करनी रहती है, ठीक है। और ये एग्जाम भी क्या होती है, शिफ्ट्स में होती है, ऑब्वियसली प्रीलिम जो भी क्रैक करेगा उसको मेंस देनी पड़ेगी, तो देर आर अ बल्की ऑफ कैंडिडेट्स ओके हु अटेम्प्ट दिस एग्जाम, सो ऑब्वियसली शिफ्ट्स में होनी तो जरूरी है ये एग्जाम, ठीक है। तो अब देखो इसका जो पहला पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस 100 मार्क्स में वो क्या क्या पूछते हैं, IPC पूछते हैं, CPC पूछा जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये 6 सब्जेक्ट्स पे को मिलाकर इनका एक पेपर बनता है, वो होता है 100 नंबर का, इसमें ये रिटन पेपर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर होता है दूसरा पेपर, दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें आपको एसेज लिखने पड़ते हैं और पैराग्राफ्स होते हैं, फिर ट्रांसलेशंस होते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये भी सब बायफोगेटेड है नंबर्स में। अब देखो क्या होता है, जो ऐसे होते हैं, जो सामाजिक विषय होते हैं ना, उनको 30 नंबर दिए गए हैं,
फिर उसके बाद जो एसेज आप लोग विधिक विषय में लिखोगे वो 20 मार्क्स का दिया गया है, और जो ये पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ लिखने के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और जो ट्रांसलेशन है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों 10-10 मार्क्स के होंगे, ओके, विच गिव्स यू द टोटल ऑफ 100 मार्क्स, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा पेपर। तीसरा जो पेपर है वो भी 100 मार्क्स का ही होता है। अब उसके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। अब आता है इसमें एमपी अकोमोडेशन, एमपी एलआरसी, एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी एंड नेगोशिएबल, ठीक है। इन सब का टोटल मिला के भी होगा 100 मार्क्स, ठीक है। अब आता है हमारा चौथा पेपर। चौथा पेपर जो होता है ये काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पेपर होता है। वैसे इम्पॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन ये थोड़ा और मतलब इंटरेस्टिंग टाइप होता है, क्योंकि इसमें आपको फ्रेमिंग और ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है। लाइक फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, दोनों 10-10 नंबर के हैं। फिर आता है जजमेंट राइटिंग, जजमेंट और ऑर्डर राइटिंग। एक होता है सिविल का और दूसरा होता है क्रिमिनल का, और इन दोनों के भी मार्क्स होते हैं 40-40, 40-40, 80-10-10, इट गिव्स यू द टोटल ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारा आता है तीसरा फ्रेज, वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू इज ओरल वाला फेज, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये होता है 50 मार्क्स का, जिसमें से आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी होता है इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। लाइक 20 मार्क्स आर कंपल्सरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटरव्यू अगर आपने बहुत अच्छे से क्रैक करा, लाइक आफ्टर क्रैकिंग द इंटरव्यू यू विल बी सिलेक्टेड, वुड यू गाइज विल बी सिलेक्टेड। प्रिपेयर योर एग्जाम वेरी 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 वेल एंड वी गाइज आर हियर फॉर यू। द लॉ एंड नॉलेज इज जस्ट अ स्टेप फॉर यू, यू जस्ट नीड टू टेक द वन स्टेप स्टेप टूवर्ड्स कमिंग टूवर्ड्स अस। जस्ट फॉलो अस, सब्सक्राइब अवर चैनल। आखिर में सिर्फ एक चीज ही कहना चाहूंगी आप सब लोगों से, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, लेकिन लॉ एंड नॉलेज के साथ कर लेंगे ये एमपीसीजे को भी पार। तो बी प्रिपेयर्ड, ऑल द बेस्ट यू गाइज, जस्ट क्रैक द एग्जाम एंड जस्ट डू एज वेल एज यू कैन एंड प्रिपेयर विद अस लॉ एंड नॉलेज। सो प्लीज लाइक इट एंड जस्ट शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स दिस वीडियो। Thank you so much.